Hello and welcome back to Mom's Magic. तो आज हम बनाएंगे आम की सबसे स्पेशल रेसिपी जो है आम की खट्टी मीठी लौंजी। इसको हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे जैसे दादी माँ और नानी माँ के रेसिपीज होते हैं वैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में जो है एक चम्मच तेल ले लिया है। अब तेल के गर्म होते हम इसमें डालेंगे इंग्रेडिएंट्स। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसमें डालना शुरू करते हैं। तो तेल गर्म हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ एक चम्मच जीरा। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूंगी एक चम्मच सौंफ। इसके बाद अब इसमें डालेंगे एक चम्मच कलौंजी। उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ली है। इससे बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनता है, सूखी लाल मिर्च ही आप यूज करिएगा। अब इसके बाद इसमें मैं डालने वाली हूँ 3 से 4 तेज पत्ता। और इसको डालने के बाद मैंने आम को जो है धोकर अच्छे तरह से इसके पीसेस कट कर लिए थे और ये मैं आम के पीसेस इसमें डाल रही हूँ। और आम के सॉफ्ट होने तक का वेट करेंगे और इसको मिलाते हुए थोड़ी देर इसको हम पकाएंगे। तो आम को आप अच्छी तरह से धो लें और इसके पीसेस इस तरह से कट कर लें। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट वेट करूंगी। तो यहाँ देखिए आम अब सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें डालने वाले हैं हम 1 चम्मच नमक जो कि इसको खट्टा स्वाद देगा। और इसको मीठा स्वाद देने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। तो जितना आम आप यूज़ करें ना उतना ही गुड़ भी यूज़ करें। यहाँ पे मैंने गुड़ इतना यूज़ किया है क्योंकि आम मेरा बहुत ही खट्टा था। तो अपना आप देख लें कि आम आपका खट्टा है कि नहीं, उस हिसाब से आप इसमें गुड़ और चीनी डाल सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ मैं गुड़ डालकर बना रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 10 मिनट तक वेट करते हैं। तो देखिए 10 मिनट बाद आकर मैं देख रही हूँ तो हमारी लौंजी बनकर रेडी है और इसका टेक्सचर एकदम जेली जैसा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इसको अब हम सर्व करेंगे। इसको हमने धीमी आंच पे पकाया था तो याद रहे जब आप इसे बना रहे हो तो धीमी आंच पे बनाएं। तो ये लीजिए हमारी आम की खट्टी मीठी लौंजी बनकर रेडी है। इसको आप जो है पराठे के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। कचौड़ियाँ के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे तो ये 1 महीने तक टिकेगा लेकिन अगर आप ड्राई आम को यूज़ करते हुए बनाते तो ये 1 साल तक टिक जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसको आप किसी भी कंटेनर में जो है साफ ग्लास के कंटेनर में इसको रख कर स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो हमने रेसिपी बनाई है ना, जिस तरह से ये पुराने ज़माने में इसी तरह से लोग बनाते थे जो कि इसका सीक्रेट रेसिपी है। और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगता है, खट्टा मीठा टेस्ट। अगर इस गर्मी में आपने ये नहीं ट्राई किया तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ मिस कर जाएंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।